अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्रेड्स, क्या सी शार्प के अंदर अच्छा थ्रेड्स होते क्या हैं। इससे पहले आप ये देख लें कि प्रोसेस, व्हाट इज़ प्रोसेस, प्रोसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कंटेन प्रोसेस इन ऑर्डर टू रन आवर एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंटेन करता है, प्रोसेसेस कंटेन करता है हमारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ऑर्डर वाइज। व्हेन एल्स वी रन एनी एप्लीकेशन ऑन आवर विंडोज, OS असाइन अ प्रोसेस टू रन डैट एप्लीकेशन। हम जो है कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं विंडोज़ पे, तो OS जो है उसको कोई ना कोई प्रोसेस असाइन करता है कि ये वाली एप्लीकेशन इस प्रोसेस पे रन होगी। ठीक है, यू कैन चेक एट टास्क मैनेजर। आप जो है टास्क मैनेजर पे जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ टास्क मैनेजर, यहाँ मुझे शो हो रही है मेरी कौन कौन सी एप्लीकेशन इस वक्त रनिंग में है। ठीक है, क्रोम, पावर पॉइंट, VS 2019। सो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन नीड प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। हर एप्लीकेशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी न किसी प्रोसेस की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूट होने के लिए। अब आ जाए थ्रेड्स पे। थ्रेड क्या चीज़ है, एज वी हैव लर्न्ड OS असाइन प्रोसेस टू ईच एप्लीकेशन टू रन। जैसे कि हमने पढ़ा OS असाइन करता है हर प्रोसेस को, यानी कि जो एप्लीकेशन रन होंगी जिस पे। ईच प्रोसेस कंटेन थ्रेड इन ऑर्डर टू रन लॉजिक कोड इन द एप्लीकेशन। हर प्रोसेस क्या कंटेन करता है, कोई ना कोई थ्रेड कंटेन करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रन लॉजिक कोड, यानी कि जो मेरे एप्लीकेशन में कुछ कोड होगा उस हिसाब से जो है ऑर्डर वाइज बताएगा कि इस वक्त जो है मेरा कौन सा थ्रेड रन होगा। बाय डिफॉल्ट एवरी प्रोसेस हैज़ वन थ्रेड नोन एज मेन थ्रेड। बाय डिफॉल्ट क्या, हर प्रोसेस का जो है थ्रेड होता है जो क्या कहलाता है, मेन थ्रेड। लेट्स चेक बाय डिफॉल्ट थ्रेड थ्रू आवर ऐप VS। हम जो है देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट थ्रेड कैसे यूज होता है। तो ये मेरा वीडियो शूट जो है 2019 है। अच्छा, इसमें जो है पहले एक नेम स्पेस ऐड करेंगे, कौन सा, यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग का, क्लियर है। उसके बाद थ्रेड TH इक्वल्स टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। जैसे मैं क्लास को ऑब्जेक्ट बनाता था, बिल्कुल जो है सेम वैसी सेंटेक्स है। बस यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड कराई है, क्या, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है सी शार्प का डॉट करंट थ्रेड। ये जो भी मेरा करंट थ्रेड होगा वो बता दे। उसके बाद TH डॉट नेम इक्वल्स टू मेन थ्रेड, मैंने सिंपल एक टैग दे दिया नेम के अंदर, क्या, मेन थ्रेड। कंसोल डॉट राइट लाइन दिस इज जीरो, और मैंने इस चीज़ को प्रिंट करा दिया। ये मुझे शो हो गया दिस इज मेन थ्रेड। ये मेरा कौन सा चल रहा है, करंट थ्रेड, यानी कि मेरा ये मेन थ्रेड चल रहा है। अच्छा, ये मेरा क्या है, ये है मेरा सिंगल थ्रेड, यानी कि मैं जो है सिर्फ एक थ्रेड रन कर रहा हूँ, कौन सा, करंट थ्रेड। इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर मुझे मल्टीपल थ्रेड एक साथ चलाने हो, पैरेलल रन करने हो, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, तो उसको भी देख लेते हैं। मैं जो है एक क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्लास ABC। इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक void, इसका नाम रखा मैंने थ्रेड वन। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक लूप चलाया फॉर i इक्वल्स टू वन से चलेगा कहाँ तक, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलाया। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने कहा थ्रेड वन इज 0, i। ठीक है, अब इसी मेथड को मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। इसका नाम रख दिया मैंने थ्रेड टू, इसका वेरिएबल नेम रख लिया मैंने जे जे प्लस प्लस थ्रेड टू इज वेरिएबल नेम जे आगे। ठीक है, क्लियर है। अब मैं मेन में आऊँगा, मैं आया मेन क्लास के अंदर, इसके अंदर मैं क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ABC OBJ इक्वल्स टू न्यू
ए बी सी। उसके बाद ओ बी जे डॉट लिख वाइट, पब्लिक क्लास एबीसी, इसके अंदर जो है दो मेथड आ गए हैं पब्लिक, अच्छा एक क्लोज कर्ली ब्रैकेट नहीं आया, ठीक है। अब बनाया मैंने ओबीजे डॉट थ्रेड वन, ठीक है ये मेरा चलेगा थ्रेड वन, और ओबीजे डॉट थ्रेड टू को मैंने रन किया। ये क्या हुआ, मेरे जो है प्रॉपर दोनों थ्रेड रन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो है ये वाला मेथड या ये वाला थ्रेड कुछ टाइम बाद रन हो, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ देर बाद चले। तो मैं यहाँ पे लूप के अंदर ही जो है एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ आई, मैंने कहा इफ आई इक्वस टू 10, जैसे कि मेरा लूप एंड तक पहुंचे तो क्या हो, थ्रेड वन डॉट सॉरी थ्रेड डॉट स्लीप ये जो है 5000 मिली सेकेंड वेट करेगा, यानी कि ये 5 सेकेंड वेट करेगा, ठीक है। जैसे ही वन कंप्लीट हो जाएगा 5 सेकेंड वेट करेगा, उसके बाद मेरा थ्रेड टू चलेगा पैरेलल में इसी के साथ, क्लियर है। इसको मैंने रन किया, मेरा थ्रेड वन चला पहले पूरा, अब इसके बाद क्या चला, मेरा थ्रेड टू, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है मल्टीपल थ्रेड जितने चाहे रन कर सकते हैं और उनका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना ले। अच्छा अब थ्रेड की कहानी तो हो गई, अब इसके साथ जो है मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मैं इस मेथड को रखता स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक का फायदा क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक, इसको भी रखा मैंने स्टैटिक, ठीक है, और मैंने देखिए ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी मेरा मेथड स्टैटिक होता है उसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टैटिक मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मैं डायरेक्ट उसको क्लास नेम से कॉल करा लेता हूँ, क्लियर ये चीज़। और मैंने इसको प्रिंट किया, मेरा जो है प्रॉपर चल गया, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है मेरी मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि बहुत सारे थ्रेड एक साथ चलना, पैरेलल रन होना।